ये 2 साल के करीब होने वाला है। और इसमें मतलब क्या, हम खुद ही मतलब ऐसे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं जो कि कभी हमारी पढ़ाई का खर्चा भी नहीं उठा पाते थे। ट्यूशन जैसी क्लास हम कभी पढ़ ही नहीं पाए, हमेशा 9 तक तो हम ऐसे ही करे। फिर उसके बाद माँ भी मेरे दूसरे घरों में काम हम करके हमको किसी तरह पढ़ाया, तो अभाव जो था वही हम सोचते थे किसी और को ना मिले। ट्यूशन क्लास में हम इनको भविष्य तो नहीं बना सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं इनको एक मोटिवेट करके, गाइडेंस करके, उस चीज़ के महत्वता बताना, पढ़ाई से क्या जागरूकता फैल सकती है, पढ़ाई से इनको क्या लाभ होंगे इसके बारे में बता के इनको स्कूलों से जोड़ना, जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनको स्कूलों तक पहुँचाना, और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके घर वाले परेशान मदद नहीं कर रहे हैं कि नहीं पढ़ना है कोई महत्व नहीं, उनके घर पर जाकर भी हम लोग उनको समझाते हैं। जैसे गांव में कुछ महिलाएं ऐसे ही हैं जिनकी लड़कियां हैं बड़ी हो गई, तो उसके बाद अब पढ़ाई करके क्या करेंगे उसके बारे में जागरूक करना, इन सब चीज़ों को। और चूँकि हम खुद ट्यूशन नहीं पढ़े हैं कभी, और इस वजह से हम चाहते हैं कि ये ट्यूशन क्लास जो हम फ्री पढ़ा रहे हैं 1.5 घंटे की, इसमें भी मतलब कोई पैसा नहीं है। कॉपी पेन पेंसिल पहले जब 10-20 बच्चे थे तो हम लोग खुद ही करते थे, लेकिन कुछ और जब बढ़ते गए बच्चे, तो यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं तो कुछ उन लोगों को भी दिखने लगा कुछ अच्छा हो रहा है, यहाँ पर कुछ बदलाव हो रहा है, तो उन लोगों ने भी हम लोग की मदद करना शुरू किया, कुछ कॉपी पेन पेंसिल जैसे चीज़ें देने लगे।